तो दोस्तों, यामा ने अपनी चार बाइक को नए अपडेट के साथ इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि 13 फरवरी को इंडिया में लॉन्च की गई हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इन गाड़ियों में क्या कुछ अपडेट किया गया है और इन बाइक्स की नई प्राइस अब कितनी है। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें यामा की पहली बाइक की, तो वो होने वाली है यामा की तरफ से FZS वर्जन 4। इस बाइक में अब आपको नया मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, जो कि MT15 वाला होने वाला है। साथ ही इस बाइक के हेडलाइट की डिजाइन को भी अब चेंज कर दिया गया है, जो कि देखने में पहले से ज्यादा बेहतर लगती है। बात करें इस बाइक के इंडिया में प्राइस की, तो ये बाइक इंडिया में 3 कलर ऑप्शंस के साथ आती है, जो कि है मैट ग्रे, रेड और मैट ब्लैक, जिसमें आपको गोल्डन कलर के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। इन तीनों ही कलर ऑप्शंस के इंडिया में प्राइस होने वाली है 1,27,400 रुपए, जो कि एक शोरूम दिल्ली में है। बात करें नंबर 2 पर आने वाली बाइक की, तो वो होने वाली है यामा R15 वर्जन 4 और R15M। R15 वर्जन 4 में अब आपको LED टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसके मैट ब्लैक कलर में अब आपको गोल्डन कलर के एलॉय व्हील्स भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही गोल्डन कलर की स्टिकरिंग भी इस बाइक में देखने को मिलेगी। वही बात करें यामा R15M मॉडल की, तो इसमें आपको अप कलर्ड TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस बाइक में अब आपको LED टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इन बाइक के इंडिया में प्राइस की, तो यामा R15M जो कि ग्रे कलर की आती है, इस बाइक की प्राइस होने वाली है 1,93,900 रुपए एक्सोरूम दिल्ली, और यामा R15 वर्जन 4 के मेटेलिक रेड कलर की प्राइस होने वाली है 1,80,900 रुपए, मैट ब्लैक कलर की प्राइस होने वाली है 1,81,900 रुपए, और इस बाइक की रेसिंग ब्लू कलर की प्राइस होने वाली है 1,85,900 रुपए। बात करें अगली बाइक की, तो वो होने वाली है यामा FZX। इस बाइक में अब आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएंगे, साथ ही LED टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस बाइक के इंडिया में प्राइस की, तो ये बाइक इंडिया में 3 कलर ऑप्शंस के साथ आती है, जिसके प्राइस की बात करें तो ऑरेंज कलर की प्राइस होने वाली है 1,35,900 रुपए, और इसके मैट ब्लैक कलर की प्राइस होने वाली है 1,35,900 रुपए, और इसके मैट ब्लू कलर की प्राइस होने वाली है 1,36,900 रुपए। बात करें यामा की नेक्स्ट बाइक की, तो वो होने वाली है यामा MT15 वर्जन 2। इस बाइक में आपको 2 अपडेट देखने को मिल जाएंगे। जिस बाइक में अब आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा, जिसका इंडिया में बहुत ही ज्यादा वेट किया जा रहा था। साथ ही इस बाइक में LED टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस बाइक के इंडिया में प्राइस की, तो ये बाइक इंडिया में 4 कलर ऑप्शंस के साथ आती है, जो कि होने वाली है सियान स्टॉर्म, जिसे आप स्काई ब्लू के नाम से भी जान सकते हैं, और आइस फ्लू बर्मिलन जो कि व्हाइट कलर है, रेसिंग ब्लू और मेटेलिक ब्लैक, और इन चारों ही कलर्स की इंडिया में प्राइस होने वाली है 1,68,400 रुपए। साथ ही 3 अपडेट और भी हैं, जो कि इन चारों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाएंगे। अब इन बाइक्स के इंजन आपको BS6 OBD2 नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए मिल जाएंगे। साथ ही इन गाड़ियों के इंजन E20 पर बेस्ड होने वाले हैं, जिससे इन गाड़ियों के फ्यूल में अब आप 20% इथेनॉल भी मिक्स करा सकते हैं। साथ ही इन गाड़ियों में अब आपको TCS सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जो कि होने वाला है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। यामा ने यह फीचर सब चारों ही गाड़ियों में स्टैंडर्ड कर दिया है। तो यही है इन गाड़ियों के नए अपडेट और इनकी नई प्राइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।